दोस्तों एचएससी सीईटी मेन एग्जाम को लेकर एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का दोस्तों एक बड़ा बयान है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों एचएससी सीईटी मेन एग्जाम को लेकर एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बड़ा बयान है। कौन कौन सीईटी मेन के लिए जो है अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं और कितने गुना कैंडिडेट, जो चार गुना कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, इन चार गुना कैंडिडेट में आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। एचएससी ग्रुप सी की भर्तियों का अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जल्द ही लंबे समय के बाद इसका पोर्टल जो है खोला जा चुका है। सीईटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। युवा बोल रहे हैं कि 32,000 पदों के अगर चार गुना ही परीक्षा लेनी है तो सीईटी पास में 3.57 लाख से आवेदन क्यों करा रहे हैं। यानी कि जब सीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि भाई जो 32,000 जो पद हैं केवल इनके चार गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे, लेकिन एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी बोल रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें कि कल रख के 100 पद हैं तो ये नहीं है कि कल रख के चार गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें जैसे कि आपके जनरल के 50 पद हैं, अगर जनरल के 50 पद हैं तो इन चार गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा, न कि ये जो 32,000 जो पद हैं, टोटल जो 32,000 पद हैं आपके, इनके चार गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो लगभग कैंडिडेट का जो है दोस्तों इसमें नंबर आ जाएगा। आप अपनी तैयारी जरूर करें, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि इसमें फ़ीस तो लगने वाली है नहीं, तो आप फार्म जो है वो ज़रूर भरें। उसके बाद जो है दोस्तों जैसे ही 5 मई के बाद जो है इसका डाटा कंप्लीट एचएससी के पास पहुँच जाएगा, उसमें जब आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उस लिस्ट के हिसाब से जो है दोस्तों एक कट ऑफ जारी की जाएगी कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स सीईटी स्कोर में हैं तो सीईटी स्कोर में, जैसे कि अगर हमें अब बात करें कि 38 वाले जो पास कैंडिडेट बताए जा रहे हैं उसमें कुछ आपकी कट ऑफ रहेगी, जैसे कि 40 या 45, हम एग्जांपल के तौर पर माने कि भाई 40 और 45 अगर जो कट ऑफ है जनरल की और ओबीसी या फिर अन्य कैटेगरियों की, इस प्रकार से जो कट ऑफ जो है वो जारी कर दी जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, अगर आप उस कट ऑफ के अंदर नहीं आते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी ही नहीं होगा। तो जानकारी अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और एचएससी से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब आप जरूर करें।